इंशाल्लाह आप ज़रूर दोबारा भी तशरीफ़ लें और आगे लेवल भी करें, और बातें हैं कि कुछ हमारे जी ज़रूरत हमारे फ़र्ज़ बनते हैं कि हम अदर्स को भी इस तरफ लें जो दर जी ग्रुप डॉक्टर में जी डॉक्टर उनमें साहब शामिल हो, और आपको दूसरों की भी रहनुमाई करनी चाहिए और दूसरों को भी साथ ले आनी चाहिए। अच्छा, तो आपके अभी आज आप इलाज कर रहे हैं ना आजकल? हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी मेरे पास ना कश्मीर से एक बंदा है, उसके हार्ट के 3 वायर बंद थे उसके तो, और उसको भी तकलीफ थी। उसके बेटा गरीब आदमी है, मैं उस वक्त पिंडी में था। उसके बेटे ने कहा, किसी को कहा यार मेरे बाल वाल साहब को बड़ी तकलीफ है। तो वो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपके पास ही कोई, आप कहते हैं कि आज कोई नई चीज आपके पास। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत की है। मैंने आपके हवाले से बात की जी, मैंने जो मैंने फील किया है कि वो डॉक्टर को अल्लाह ने कोई खसूस इनायत है, तो उनके जरिए ही जो कुछ हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। तो वो मुझे उसने कहा आप, मैं डॉक्टर को किया, वो बंदा जनूती में था और नीम नीम बेहोश था, यकीन कीजिएगा। आधे घंटे बाद फोन आया, उसने कहा जी वो तो खा पी रहा है, उठ के बैठ गया माशाल्लाह। अब मैं डॉक्टर को डेली सेंड करता हूँ, मैं हिल अप करता हूँ डेली। जी, और डॉक्टर ये ठीक हो जाएगा 4 लेवल में, या फर्दर मैं करूँ तो ज्यादा फायदा होगा लोगों को फिर? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत जी अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए, और आपको अल्लाह ताला और अवेयरनेस डॉक्टर एक दे। और एक्सपीरियंस हुआ समझा का, इससे ना लाइफ जो ना खुद बखुद डिसिप्लिन में आती जाती है, खुद बखुद। बिल्कुल आपके सही आपके फरमाया, रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो भी ऑटोमेटिक ना शुरू हो जाते हैं, इसी किसी कायदे में आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज माई बिल्कुल फीलिंग। बिल्कुल, लाइफ खुद ब खुद एक बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, खुद बिल्कुल जी ही बिल्कुल बिल्कुल, ये इंसान मैंने के खुद फील किया कंट्रोल में है। आ जाता है। और मैंने बल्कि मैं करूँ आपसे, एक दो बंदे ऐसे हैं जो मतलब वो नहीं मानते थे इन चीजों को ना, तो मैंने कहा भी आप ना माने बाप, जब रात मैं उनका अजीत से मैंने कहा भी आप जो सोए पड़े हो मुझे बाप बता दें, मैं अपना सही काम कर दूंगा। मैंने कहा मैंने तो पॉजिटिव है, मैंने इसमें तो पॉजिटिव काम करना है, सही नेगेटिविटी को खत्म करना है। जो सही पॉजिटिव चीजें हैं वो आप आपके सामने आ जाएंगे डॉक्टर। माशाल्लाह जी, थोड़ा सा मैंने माशाल्लाह वो किया उनको, तो सुबह उनका फोन आया, कहना ये तो छाले मार रहे हैं भागा फिर रहे माशाल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जी बड़ा, इसमें ये तो बड़ी कमाई है माशाल्लाह। बिल्कुल हाँ नदीम कादरी साहब, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और ताकत अता फरमाए और इसी तरह सिंसियर रहें लोगों के साथ। डॉक्टर साहब, आप भी जरा हमें दो में याद रखें, और मैं तो अपने आप को रियल साइंटिस्ट का अदना स्टूडेंट समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि अल्लाह ने जो आपको ताकतें दी है, जो आप आपके दिल में तो ज़रूर ये सफाई है, जी जी बिल्कुल क्योंकि इस तरह जो होते हैं जो आप जो एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो ये आपके एक दिल की सफाई है, आपके आपके अंदर अच्छा डॉक्टर एक साहब, मैं एक और मुझे सच्चाई है। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं शेयर करूँ आपके साथ। जी मैं डॉक्टर साहब मैं ना होता है कुदरती बात है, मुझे आपसे आपसे ना बड़ा अच्छे लग रहे थे। मैं डॉक्टर भी याद, अल्लाह ने बड़ा नवाजा, उनकी वजह से मुझे मेरी तकलीफ खत्म हो रही है, अल्लाह तला ने वसीला बनाया है। तो सही मैं ये पूछना था कि मैंने खुद को ट्यून किया कर रहा था, तो डॉक्टर साहब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता ये क्या था। मेरे साथ ना मेरे बेड के साथ वो चेयर पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ऊंची चेयर है वो, मैंने फील किया जैसे आप आगे बैठे हुए हैं और आप खुश हैं मेरे साथ। पता नहीं आप ये क्या है, आप अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये मेटाफिजिक्स है, ये रूहानियत है, ये आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। बस ये ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब वहां पे, तो ये पिंडी में मैं जब था। यानी आप क्या हुआ था आपके साथ, क्या बैठे हुए थे? मैं डॉक्टर साहब हाँ मैं खुद को अटेनमेंट कर रहा था ना, जब मैं हाँ बंद की हुई थी तो बकायदा वो सफेद कभी नीले रंग की कभी सफेद रंग की कभी सही, वो शेड वाला एनर्जी जो आती है, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हाँ वो सही होते हैं डॉक्टर साहब। उसी में डॉक्टर साहब उसी दौरान मुझे ऐसे फील हुआ जैसे आप मेरे पास आके बैठ गए मेरे पास सही, आके। बिल्कुल सही है, होता है ऐसा। हाँ जी देखिए हाँ जी एक रूहानी तकल्लुम भी होते हैं, एक रूहानी राबिता भी होते हैं, बहुत से हमारे मेटाफिजिकली दूसरों के साथ कनेक्शन हो जाती है ना, जी 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 तो डॉक्टर वो ये कनेक्शन जब हम उस ताकतों के साथ उन पावर के साथ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अंदर से जो पावर जगाते हैं, तो हम कनेक्शन पॉसिबल होती हैं, जी जी डॉक्टर बिल्कुल सही बिल्कुल है बिल्कुल। मिलते हैं, जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं कुछ चीज़ वो हो भी जाते हैं, असल बात जैसा यही है, असल मेरा ख्याल यही बात है, खलूस और सच्चाई बहुत बुरे इसमें कौन करती है। बहुत बड़ी बात होती है खलूस जी जी बात। और सच्चाई। फिर अब तक एक और दूसरा था कि मैं HMF और ये मैंने ये 5वां 6वां 7वां 8वां और HMF इसके बाद ऐसा मास्टर करना चाहता हूँ मैं, तो डू यू फील कि मुझ में वो पोटेंशियल एबिलिटी है कि मैं मास्टर कर लूंगा? जी इंशाल्लाह आप कर सकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल काबिल है आप, क्यों नहीं है, कौन कहता है नहीं है, बिल्कुल है आप, माशाल्लाह जी ठीक बिल्कुल है आप, बिल्कुल है, ठीक है।
بہت اچھے بات ہے آپ سے بات ہو گئے انشاءاللہ شاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کا یہ اسی طرح آپ لوگوں کو فیض پہنچے اور آپ کے ذریعے ہم بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں انشاءاللہ 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 بہت اچھی بات ہے، شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو، خدا حافظ. ایک دوسرے کال ہولڈ پہ ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں سمیہ حسیب بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. جی سمیہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھی ہیں الحمدللہ اللہ کل حال. بالکل آپ کے باقی والدین ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے سمیہ؟ الحمدللہ الحمدللہ سر. اچھا شکر ہے، ٹھیک ہے. تو اب آج کے موضوع کے مطابق بات کریں گے کہ ریڑھ کے ہڈی کے جو مسائل ہیں کیا کیسے ہوتی ہے اور کیا اسے پوسیبل ہوتی ہے، کوئی علاج ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں جو اس بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ہمارے کھانے کی عادتیں جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، کیونکہ ہم لوگ کی خوراک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیلشیم انٹیک بہت کم ہے ہماری خوراک میں. صحیح. اور دوسری وجہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے کے جو طریقے کار ہے وہ بہت غلط ہے، کہ ہم لوگ ٹھیک طریقے سے لیتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. صحیح. اور ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنی سیٹ کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ کمر میں درد ہوتی ہے. یعنی ریڑھ کی ہڈی کو بیٹھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو ہم سیدھا نہیں رکھتے ہیں نا. جی سر بیسکلی یہ وجہ ہے. اور دوسری بات یہ سر کہ ہمارے ارد گرد کے اسٹریس جو ہم لیتے ہیں اپنے اوپر بہت زیادہ، صحیح، اس کی وجہ سے ہماری کمر پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو میں یہ سب سے پہلے کہتی ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اپنے چلنے پھرنے کے طریقے، سونے لیٹے بیٹھنے کے طریقے اور اپنی خوراک کو بہتر کریں. صحیح. اس کے سے ہم لوگ اس تکلیف سے تو بہت زیادہ بچ سکتے ہیں. بالکل. سمدہ میں اس کا علاج جو ہے وہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ لیول 3 سے تو بہت زیادہ آرام آتا ہے. جی. اس کے بعد لیول 5 اور لیول 6 سے اگر آپ ہیلنگ ان کو سینڈ کریں تو بہت زیادہ بہت زیادہ. اور اس کے تو اگر پیشنٹس کو میں، میرے سب سے پہلے میری والدہ تھی، آج ان کو جانتے بھی ہیں. جی جی. جب یاد ہے ہم آپ کے پاس آئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، جی جی، اس وقت میری والدہ نے اپنے بیگ میں بیلٹ بھی رکھی ہوئی تھی، کمر کا گردن کا کالر بھی رکھا ہوا تھا. جی. اس وقت ان کو آدھا آرام اسی وقت ہی آ گیا تھا لیول 1-2 کرنے سے. صحیح صحیح صحیح، بالکل، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے. اور والد صاحب کو تو ٹھیک ہے، وہ تو گم پھر رہے ہوتے ہیں میرے خیال، کمر میں درد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئے. جی ہم بات کر رہے تھے، سارے آپ کے کال کٹ گئے، شاید کوئی پرابلم آ گئی ہے. بہت اچھی باتیں، اللہ آپ کو بہت سے خوشیاں عطا فرمائیں، طاقت عطا فرمائیں. اور بہت دور سے کشمیر سے آتے ہیں، پنڈی میں کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ تمام لیولز کرتے ہیں اور بہت کرونک ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں، اپنا کے اور ادرس کے. یہ اللہ نے آپ کو ایک، یہ اللہ کی رحمت ہے جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے. اور روزانہ ان لوگوں کی وجہ سے کتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اللہ ٹھیک کرتے ہیں. تو ہم آ رہے تھے کہ ریڑھ کی ہڈی کی جو مسائل ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کیسے درست کیا جا سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کس طرح کے ہم بہتر کر سکتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کرنے چاہیے کہ نیچرل طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں، تو ریڑھ کی ہڈی میں کم آتے ہیں. سب سے ضروری جو ریڑھ کی ہڈی پہ سب سے برا اثر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ چلے بتا دے کیا ہے جو سب سے برا اثر کرتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کو خراب کر دیتے ہیں، وہ ہے مسلسل ٹینشن، مسلسل سٹرس. مسلسل جو آپ کی جو پرابلم ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ بہت برا اثر کرتا ہے، جس سے تمام سسٹم آپ کے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو پچھلے پروگرام سے ہم نے بات کی، ابھی بھی تھوڑا بہت اس پہ بات کریں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کریں؟ جی سمیہ بات کر رہی ہوں، دوبارہ کال ملی میری. جی کال ڈراپ ہو گئے آپ کے. جی سمیہ جی، آپ کچھ بتا رہی تھی. سر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی والدہ کو کس طرح ہیلنگ کی تھی. جی. کہ میں نے ان کو 5 نمبر کا باڈی چیک کرا جو سارا ان کا
ऑन किया था, उसके बाद से उनको 7 मंथ्स हो गए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और ना गर्दन की ना रीढ़ की हड्डी की, उनको तकरीबन 4 साल से तकलीफ थी। सही सही, उसके बाद कभी तकलीफ नहीं हुई। और वालिद साहब को भी सीधा थी, कमर में पेन थी, सही, तो उनको भी सीधा आराम आया। मैं थोड़ा सा मीटिंग बहुत कम करती, लेकिन मेरी वालदा और वालिद साहब जिन्होंने सीखा हुआ ये समझा, तो वो तो बहुत ज्यादा लोगों को हीलिंग करते हैं, और अब्बू के पास तो बहुत ज्यादा आते हैं ये पेशेंट जो है कमर के दर्द के, तो वो तो बिल्कुल ही ठीक होके जाते हैं, और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वापस आके कोई शिकायत नहीं करता कि हमें आराम नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छे। और सर ये जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और ये यहाँ पे स्पेशली आजाद कश्मीर में तो ये फैसिलिटीज बहुत कम है यहाँ पे डॉक्टर्स की, और जो मरीजों को सही से ट्रीट नहीं करते। जी बिल्कुल, आपको पीछे से मेरे ख्याल में नगीना आपको गाइड कर रही है ना। मुझे आवाज आ रही है, आपसे बात करें। जी जी क्यों नहीं। कि मैं तेज बात करती हूँ। जी जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं, बिल्कुल आप दे दें, बात कर लेंगे नगीना से। अपनी वालों से बात करा रही, अम्मी से बात करें। जी जी हेलो। जी नगीना कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छी हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक जी, बाकी खैरत है, सब बच्चे ठीक हैं? बस शुक्र है, बस आपके लिए दुआ गो हैं एवरी टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत यकीन करें समझा ने तो हमें एक अपनी रूह से मुलाकात करवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताऊं इसके बारे में। आप लोग इतने अच्छे नेचुरल जगह पे रहते हैं, तो जाहिर है वो नेचुरल एनर्जी और बढ़ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतने खूबसूरत जगह रहते हैं। मेरी इतनी तकलीफ थी कमर की गर्दन से लेकर, जब मैं आपके पास आई थी और मतलब पैर लगाई हुई और बड़ा बुरा हाल था, उस समय डैमेज, लेकिन मेरी हिम्मत होकर मैं आपके ना हॉस्पिटल पहुंची ना। सही। और लेकिन इस एक दफा खाली आपको प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ना वो मुझे ठीक हो गई ना मैं। जी जी। और आज 7 महीने गुजर गए, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं। माशाल्लाह। मैंने कोई गोली वगैरह खाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ये शुक्र है, मौजदा है मेरे लिए। तो मैं तो कह रही हूँ लोग आए हैं सीखे हैं, और ये जो पैसे जमा करके बैठे रहते हैं और पैसों के बारे में बातें करते हैं, ना करें ज्यादा बेहतर है। ये तो कभी हमने कपड़े ना खरीदे, अपनी ड्यूटियां ना खरीदा, हमने बिल्कुल आपकी वजह से काफी स्टूडेंट आ गए, आपकी वजह से और स्टूडेंट की वजह से आ रहे, क्योंकि स्टूडेंट गाइड कर रहे लोगों को और आ रहे हैं, उनकी वजह से अल्लाह उनको भी। ये रात की मैं आपको बात ना दी, एक बच्ची है 2 दिन से उसकी टांग में चल रही है, स्कूल से उसको टीचर उठा कर लाए हैं कि मतलब टांग को लगाने क्या हो गया, वो खड़ी नहीं हो सकी। अच्छा वो अलग है, उस बच्ची को क्या हुआ है, वो डॉक्टर के पास ले गए हैं, उन्होंने 4 जो इंजेक्शन लगाए हैं डेक्लोराम के, ठीक, उसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह बहुत सी दे रही है उसके साथ। वो बच्ची यकीन कर रात को मैं गई, मैं घबरा गई इस बच्ची को, जवान बच्ची 15-16 साल की लड़की थी वो। वो यकीन कर सफाव लटक रहा था यूं, मतलब टांग पूरी लटकी हुई ना, साथ बाथरूम तक हो गई है, तो जैसा फालज वगैरह हो जाए ना। मैंने अलग अलग हुक्म से और आपके इलम जो आपने मुझे सिखाया उसके जरिए मैंने उनको हीलिंग की, पूरा फुल वो फुल बॉडी का किया। यकीन करें कि आधे घंटे के बाद वो बच्ची अपनी टांग बैंड करना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको पानी दम करके दिया, मालिश के लिए और तेल दिया। अभी 3 दिन मैंने सोचा मैं आगे करूंगी इंशाल्लाह ताला, तो आप बेहतर हो जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़े वो लोग खुश हुए हैं, यकीन करेंगे, बस दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बस। यानी किसी बेचारी और के पिते की बकरी भी, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि 220 उसके बीबी अगर कर, सही, वो 10-15 मिनट के बाद अपने घर से खुशी वापस गई है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने जिस तरह हमें ये चीज ये यकीन करें इसी तरह हम लोग आगे बांटते रहते हैं, और तीसरी अल्लाह ताला आप लोगों को और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए इंशाल्लाह। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसके कोई मुजिर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN.
अल्लाह ताला ने ऐसे जस्मानी और नफसियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजुर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग.com।